ग्रैंड सेंडन हिस्ट्री का 54वां पार्ट है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेते हैं। तो आप बताइए, प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे, नक्कीरर या अगस्तस? और द्वितीय संगम के अध्यक्ष कौन थे, अगस्तस या अगस्त एवं तुलकप्पियर? तृतीय संगम के अध्यक्ष कौन थे, अगस्तस या नक्कीरर? और संगम से जुड़ा हुआ और भी महत्वपूर्ण तथ्य है, तीनों संगम किस शासक के काल में हुआ था, चोल या पांड्य शासक? प्रथम संगम कहाँ हुआ था, कपाटपुरम या मदुरा? द्वितीय संगम कहाँ हुआ था, उत्तरी मदुरा या कपाटपुरम? और तृतीय संगम जो नक्कीरर के अध्यक्षता में हुआ था, कहाँ हुआ था, मदुरा या उत्तरी मदुरा? और प्रथम संगम जो अगस्त ऋषि के अध्यक्षता में हुआ था, किस राजा के संरक्षण में हुआ था, चोल या पांडे शासक? और मणिमैथिले की रचना किसने की थी, इलंगो आदिगल या सितले सतनार? जीवक चिंता मणि के रचनाकार कौन थे, इलंगो आदिगल या तिरुवंतक देवर? कुरल के लेखक कौन है, कुरल? तुलकप्पियर या तिरुवल्लुवर? आठ गीतों के संग्रह को क्या कहते हैं, परित्रप्पत्तु या एत्तु तौके? दस गीतों का संग्रह क्या कहलाता है, एत्तु तौके या पुत्तु पुत्तु? नक्कीरर की रचना का नाम क्या है, अहना नूरु या मरुगर्रप पाद्या? पांडे के संरक्षण में संपन्न संगम में सर्वाधिक प्राचीन वंश किसका उल्लेख सबसे अधिक मिलता है, चोल का या चेर का? और बताएं, पुहार या कावेरीपट्टम की स्थापना किसने की, शेनगुट्टुवन या कारिकल? तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है, कुरल को या मणिमैथिले को? तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है, कुरल या शिलप्दिक्रम? तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुप्पाल को कहा जाता है, जो क्या है, तमिल भूमि का महान व्याकरण या तमिल भूमि का बाइबिल? किसके अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्तस के दरबार में 20 ईस्वी पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा था, स्ट्रैबो के अनुसार या मेगास्थनीज के अनुसार? स्ट्रैबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्तस के दरबार में 20 ईस्वी पूर्व में अपना एक दूत भेजा था, चोल नरेश ने या पांडे नरेश ने? किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया, वशिष्ठ ने या अगस्तस ने? कपाटपुरम या अलवय में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है, इतुतगोई या तुलकप्पियम? चेर का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था, करिकल या शेनगुट्टुवन? चोल का सबसे विख्यात शासक
शिनगुट्टुवन या करिकल, पांड्य का विख्यात शासक कौन था, करिकल या नेंडू जेलियन। तो ये रहा कुल मिला करके। थैंक यू वेरी मच।